स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचन में देखने वाले अच्छे दिन के बारे में और उजाले वाले मार्ग के बारे में हम आज परमेश्वर के वचन में मनन करने वाले हैं। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। नीति वचन 4:18-19, नीति वचन 4 अध्याय उसका 18-19 वचन। जी, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। सुप्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार हम 18 पढ़ लेते हैं। जी, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है, अधिक अधिक उजियाला हो जाता है। धर्मी लोगों का मार्ग दुष्टों के मार्ग के बारे में कहते हैं 19 वचन, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। जी, वे नहीं जानते किस से ठोकर खाते हैं। उनके जीवन में हर प्रकार की तकलीफें आएंगी, हर प्रकार की मुसीबतें आएंगी और वो ओझा के पास, तांत्रिक के पास, इधर उधर सब जगह पे जाते हैं, परंतु वो परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार नहीं है। प्रियजनों, परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, हमारे दिन अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, है ना, हमारा जीवन आशीर्वादित होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 115 अध्याय उसका 14 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को अधिक बढ़ाता हुआ जाएगा। इसका मतलब है चारों तरफ से आशीषें हमारे जीवन में आएगी। प्रियजनों, दुष्टों के घर में देखेंगे रगड़ा झगड़ा, मारा मारी, हर प्रकार की तकलीफें होती है, लेकिन परमेश्वर जो धार्मिक लोग होते हैं उनको बढ़ोतरी देता है, बढ़ोतरी बहुत बहुत आशीषों से भरपूर करता है। प्रियजनों, अब तक जो हम जिए मसीह जीवन, अब तक जो जिए ये बहुत कम था। बड़ा आशीर्वाद, अच्छा समय हमारा अब शुरू हो रहा है। अब तक हमने जो देखा था थोड़ा सा देखा था, अब बहुतायत का आशीष परमेश्वर देने जा रहा है। जो धार्मिकता के मार्ग पे चलता है उसे भली वस्तुओं की कमी घटी नहीं होती है। जो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है प्रियजनों, वो उसके जीवन में अगर संकट आ भी जाए तो भी वो हंसता हुआ रहता है, क्योंकि वो जानता है मेरा परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। आमेन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियजनों, हमारा परमेश्वर कितना भला है और कितना अच्छा है। वो विलंब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। प्रियजनों, एक बच्चे का रास्ता क्रॉस करते समय उसका एक्सीडेंट हुआ। उन लोग प्रार्थना करने वाले लोग, उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और कार ने उस बच्चे को काफी दूर तक उड़ा दिया, और उसके बाद वो बच्चा उठकर खड़ा हो गया, थोड़ा सा रो रहा था। बच्चे को समझ में नहीं आया क्या हुआ। जब बच्चे से पूछा गया कि भाई आपको कहाँ लगा है, बोलते कहीं नहीं लगा है। भाई इतनी बड़ी स्पीड में कार ने आपको उड़ा दिया है, आपको क्यों नहीं लगा? बोलते पता नहीं मुझे। उस बच्चे को ऐसा महसूस हुआ किसी ने उसको वहां से उठाकर वहां पर जो रेत की जगह थी वहां पर उसको रख दिया है। कोई भी खरोच नहीं, कुछ भी नहीं उसके बदन के ऊपर। और प्रियजनों, कुछ लोग होते हैं हल्का सा धक्का लगने पर भी उनके साथ में हड्डियां टूट जाती है, मौत होती है और पता नहीं क्या होता है। प्रियजनों, अभी तक जो हमने देखा है, अब तक जो आशीष हमने पाई है वो बहुत कम है। अब बड़ी आशीषों का समय आ गया है। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियजनों, याद रखना, ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, रोज लड़ाई लड़ रहे हैं, रोज रोज रोज, इस लड़ाई में हमारी लड़ाई लड़ने वाला परमेश्वर है। हमको
छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। इस कारण प्रियजनों हमें आनंदित होना है। और प्रभु का वचन कहता है ना कि परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आमेन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। सपन्या की किताब, पुराने नियम के अंदर है, सपन्या की किताब 3 अध्याय उसका 17 वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है जी, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। ओके, वो हमारे बीच में है, बीच में है। इंग्लिश में लिखा हुआ है द लॉर्ड योर गॉड इज विथ यू, द माइटी वॉरियर हु सेव्स, एकदम पराक्रमी परमेश्वर जो बचाता है वो तुम्हारे मध्य है। सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों सचमुच परमेश्वर ने, प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। और प्रभु खुद वचन देता है, प्रभु ने खुद कहा है। ऐसा है नबी की किताब 43:19 में लिखा हुआ है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, मैं एक नया कुछ करने जा रहा हूँ, वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, जंगल यानी रेगिस्तान के अंदर मैं एक मार्ग बनाने वाला हूँ, और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा, जहाँ पर पानी नहीं है वहां पर मैं नदियाँ बहाने वाला हूँ। सोचो प्रियजनों परमेश्वर क्या करना चाहता है, जो उनके मार्ग में चलते हैं उनके लिए वो जंगल के अंदर रास्ता बनाने वाला है, रेगिस्तान के अंदर जहाँ पर पानी की बूंद नहीं होती है वहाँ से वो नदियाँ बहाने वाला है। परमेश्वर ये करने जा रहा है। बस आपको और मुझे इतना याद रखना है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए उजियाला है, और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसके जीवन के अंदर अंधियारा ही अंधियारा है। आप किस मार्ग पर चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपके और मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। प्रियजनों जो लोग अन्याय करते हैं उसका दंड उनको मिलता है, कई गुना ज़्यादा मिलता है, पर जो न्याय के मार्ग में चलते हैं उनको उसका प्रतिफल भी कई गुना ज़्यादा मिलता है, उसके लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों एक पुरुष था, उसके पास काफ़ी पैसे थे, और वो अपने नौकरों के ऊपर उसको भरोसा नहीं था। अब भरोसा हासिल करने के लिए उसने नौकरों के साथ में थोड़े थोड़े पैसे दिए बैंक में जमा करने के लिए, और ये नौकर जाकर पैसा जमा करते थे और वहाँ से फ़ोन करते थे कि पैसे जमा हो गए, और आकर वो करते थे। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि एक नौकर जो है वो पैसे भरने को गया, वो पहुँचा नहीं। मालिक को ऐसा लगा कि इसने मुझे धोखा दिया है, पैसा लेकर भाग गया है। ओके, कुछ ये लोग सब उनको ढूंढ रहे हैं, रास्ते में पुलिस कंप्लेंट किया, सब जगह पे ढूंढ रहे हैं, ये मिल नहीं रहा है। और फिर शाम को ये व्यक्ति जो है, ये जो नौकर है, ये बैग लेकर आता है और मालिक को से कहता है कि मालिक ये आपका पैसा, मुझे क्षमा करना, मैं बैंक में नहीं जमा कर पाया। तो उसने पूछा कि भाई कहाँ थे आप? बोलते मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं इस दवाखाने में था, ये देखो मलम पट्टी की है, ये आपके पूरे पैसे, मैं बहुत परेशान था कि आप परेशान हो गए, और उसने पैसे दिया। और ये आदमी को इसके ऊपर बहुत भरोसा हुआ। प्रियजनों आज परमेश्वर ने अगर आपको थोड़ा आशीष दिया है तो सोचो आपकी और मेरी परीक्षा हो रही है, बड़ी आशीषें आ रही है। सो परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 68 अध्याय उसका 19 वचन, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। प्रतिदिन, ब्लेसड बी द लॉर्ड हु डेली लोड्स अस विद बेनिफिट्स, है ना। सो परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, इसका मतलब है प्रतिदिन हमारा जो खर्चा है, प्रतिदिन हमें जो चाहिए वो सब परमेश्वर देता है,
धन्य है वो। सो प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हमने आज परमेश्वर के वचन में जो देखा प्रियजनों, कि धार्मिकता के मार्ग पर चलने वालों के लिए उजियाला है, आशीष है। जो अब तक आपको आशीषें मिली वो बहुत कम है, परमेश्वर इसके आगे बड़े बड़े आशीषें रखी है आपके और मेरे लिए, और हम उसकी तरफ चलें प्रियजनों। उस उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए हम आगे चलें, तब देख लेना परमेश्वर हमें हम पर मुस्कुरा कर वो आशीष देने वाला है, और वो हमारा जीवन जो है वो यहाँ पर फलदायक सफल बनाने वाला है। इसके बाद जब हम इस दुनिया से जाएंगे परिजनों, हमें आशीषों की वर्षा वहाँ पर भी होने वाली है, हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहेंगे। इसके लिए परिजनों, यीशु मसीह आ रहा है, जल्द आ रहा है। आपने अपनी तैयारी की है, नहीं किए तो कीजिए, अपना जीवन समर्पण कीजिए पूर्ण रीति से। उस मार्ग में चलने के लिए आप प्रभु से कहिए, और फिर देख लेना प्रियजनों, आपकी आने वाली पीढ़ी आशीर्वादित होने वाली है। आप भी आशीर्वाद, आपकी आने वाली पीढ़ी कहेंगे कि हमारे इस दादा ने, नाना ने, जो भी हैं, इनके वजह से आज हम आशीषित हैं। आशीर्वाद का कारण बनिए। अयम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय ये सारे जो आपके बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। इन सभी के ऊपर आपकी कृपा ऊंढे लिए प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं, इनकी सारी जरूरतों को हम आपके हाथ में देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिन बड़े अच्छे, बड़े शुभ और आशीर्वादित होंगे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमेन।